अधूरा रह जाता है जैसे कोई आंसू बह जाता है बंधी से माफी मांग लो सर। और आज से मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि पिछले सारे सालों के गम पर मेरा प्यार हावी हो जाएगा। कुछ कहो माकुल। खुदा मेरा भी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ लॉबी में क्यों इंतजार कर रहे हो? ऊपर दफ्तर में चले आते। मुझे यहाँ देखकर तुम्हारा खून तो खौल रहा हूँ है ना? जानते हो ज़ैन, एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई, आखिर तुम्हारा ज़हन इतना घुटावा क्यों है? तुम दूसरों की बातें सुनकर खामखा परेशान क्यों होते हो? ये सच है कि जो लोग अलग होते हैं पसंद तो सबको आते हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी निभाना आसान नहीं होता। मैं शायद उन लोगों में से हूं जो फर्क को एडमायर करना जानते हैं, बस किसी का अलग होना पसंद होता है, लेकिन अपना नहीं सकते उस इनफरादी को। मैं सोसाइटी के बोझ तले दब गया था बेकार, और उस बोझ ने मुझे गलत कर दिया। मैं सही नहीं था, इसीलिए सही ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस सच का साथ तुम्हें मुबारक हो। बस एक इजाजत लेने आया हूँ तुमसे। लोग हैं मागुल से मिलना चाहते हो ना? यही पूछने वाले थे तो मिल लो। तुम जरूर सोच रहे होगे कि मैं इतना लिबरल क्यों हूं। कैसे? क्योंकि मुझे मागुल की तरफ से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ज़ैन उससे शौक से मिल लो, अपना दिल का बोझ हल्का कर लो, और अगर हो सके तो मागुल को थोड़ा सा सुकून भी पहुंचा दो। थैंक यू। वैसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, क्या मेरी एक बात मानोगे? मिसेस महागुल मिकाएल, अगर एक वर्ड में अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए कहूं तो क्या कहेंगी आप? मकसद वाली, मीनिंगफुल। सही कह रही हैं आप महागुल, जिंदगी तो हम सब पाते हैं, लेकिन मकसद वाली जिंदगी किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन किस्मत वाला बनना आसान नहीं होता, बहुत आजमाइशें होती हैं, रुकावटें होती हैं। अपने मकसद को पाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। महागुल अपनी जर्नी के बारे में बताएं,
आपके दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया कि अगर आपकी अपनी औलाद ऐसी नहीं होती तब भी आता ये ख्याल? शायद नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे अभी भी याद है कि मामा बचपन में कहती थी कि इसका कोई काम नॉर्मल नहीं हो सकता, और मैं हमेशा हंसती थी उनकी बात पे। एक जुस्तजू थी जिंदगी में, मैं आम जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, जो दुनिया मानती थी वो नहीं मानना चाहती थी। क्या नूर कभी आपको अपना वीक पॉइंट लगा? हाँ लगा, शुरू में तो बहुत लगा, लेकिन फिर मैंने अपने वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, और जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो रुकने का सवाल नहीं पैदा होता। जब नूर पहली बार गोद में आया तो क्या लगा? ये मेरे वजूद का हिस्सा है, ये मेरे जैसा है, ये भी इंसान है। कोई मैसेज जो आप देना चाहें सोसाइटी को? क्या मैसेज दूं मैं? बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थर्ड जेंडर, हिजड़ा, खुसरा, यही कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चों को, तो क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है? जैसे बेटा होता है, जैसे बेटी होती है, वैसे ही खुसरे होता है। जिसको खुदा ने बनाया उसकी इंसल्ट करने वाले हम कौन होते हैं? उसको अपने आप से कमतर समझने वाले हम कौन होते हैं? तो ये था महागुल मिकाइल का सफर, और उनकी एक छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट इल्तिजा। अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, है ना सोचने की बात? क्या आप जाएंगे अवार्ड्स के फंक्शन पर? हाँ, क्यों नहीं, इससे ज्यादा फखर की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? इससे भी ज्यादा फखर की बात हो सकती है अगर जैन खुद नूर को अवार्ड दे तो। जी बाबू, नूर को ये अवार्ड मैं देना चाहता हूँ। के बाद मैं मागुल से माफी भी मांग लूंगा, वो सही थी बाबी, मैं गलत। जैन, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सिस्टर ये देख लीजिएगा। मैं, अरे सर आप इतनी जल्दी में, खैरियत है? हाँ यार, दरअसल आज मेरे नेफ्यू को अवार्ड मिलने वाला है इसलिए मुझे जरा जाना होगा। सर अवार्ड तो हम सबको मिल रहे हैं, आपके नेफ्यू की वजह से। सबको अवार्ड मिलने मतलब? आपके नेफ्यू की वजह से पिछले 2 महीनों में जिन कपल के यहाँ ऐसे बच्चे हुए हैं उन सब ने उनको सच्चाई के साथ एक्सेप्ट किया है, ना फेक बर्थ सर्टिफिकेट ना शर्मिंदगी। 4 केसेस सर, 4 केसेस। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम टू 6th यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2016 अवार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेस्ट यंगेस्ट बिजनेस को अवार्ड देते हैं, और इस साल हम जिनको अवार्ड देना चाह रहे हैं उनको कौन नहीं जानता। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ एक मिसाल है हमारे लिए, तो मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको इन्वाइट करना चाहूँगी, नन अदर देन मिस्टर नूर मिकाइल।
थैंक यू सो मच एवरीबडी. ये अवार्ड, ये इज्जत, ये पोडियम और यहाँ खड़ा मैं नूर मिठाई, आई एम श्योर आप लोगों के जहन में, आप लोगों की आंखों में बहुत सवाल, लेकिन स्ट्रेंजली वो सवाल आपकी जुबान पे कभी नहीं आते. खैर, उन्हीं सवालात के जवाब देने आज मैं यहां खुद आ गया और इन सवालात के जवाब में सिर्फ खुद के लिए नहीं दे रहा, उन सारे नूर के लिए दे रहा हूं जिसको ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. नूर निकाय ताली भी थोड़ा अजीब तरीके से बजाता है, चाल भी थोड़ी और ताना है, अंदाज भी थोड़ा अजीब सा है. लेकिन आप लोग जो भी सोच रहे हैं मेरे बारे में, जो भी सवाल हैं आपके जहन में मुझे लेके, वो गलत नहीं है. नूर मिकाई, द यंगेस्ट अचीविंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाला लड़का, ना तो मर्द है ना और. लेकिन एक बात भी आपके जहन में सोचनी है कि जब नूर यहां तक पहुंच सकता है तो फिर मेरे जैसे बाकी लोग क्यों नहीं. जब वो समान अजीब अजीब बातें सुनता था, किसी ने कहा ये खुदा का मजाक है, कोई कहता है छक्का है, फिर एक आवाज आई, ओए बटरफ्लाई कहां जा रहा है. बचपन में दूसरों के मां बाप मुझे अपने बच्चों से ऐसे छुपाते थे जैसे मैं या तो कोई अछूत हूं या कोई भूत. क्या हुआ, इतने चुप क्यों है आप लोग, यही सुनना चाहते थे ना आप लोग, यही जानना चाहते थे ना कि मैं मर्द नहीं. आज मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं ना ही मर्द हूं और ना ही औरत, लेकिन मैं इंसान हूं. मुझे भी जीने का हक है, खुश रहने का हक है, हंसने का हक है, अपने लिए कुछ करने का हक है. मेरी हर बात पे तस्दीक क्यों होती है, मैं जब पैदा होता हूं तो दुनिया से झूठ क्यों बोला जाता है, क्यों क्यों बर्थ सर्टिफिकेट्स पे जेंडर का तीसरा खाना नहीं है, किसी भी फॉर्म पे कोई भी फॉर्म उठा ले, किसी भी फॉर्म पे जेंडर का तीसरा खाना नहीं है. और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात मुझे आपकी सोसाइटी ने नहीं समझाई, ये बात मुझे मेरी मां,
मेरी नानी और एक ऐसा आदमी जो मेरा सगा बाप ना होते हुए भी उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे अपना नाम दिया, अपने नाम से मुझे अपना नाम जोड़ने दी, टूटने नहीं दी, खुशी खुशी उसके साथ अपना नाम जोड़ लिया। ये जानते हुए भी कि उस आदमी का मेरी मां से कोई रिश्ता नहीं, उस आदमी को तो बिल्कुल शर्म नहीं, मुझे अपना नाम देते हुए उस आदमी को शर्म नहीं आई। और फिर इससे अच्छा क्या हो सकता था कि नूर के साथ रिश्ता खड़ा हो गया। को पता है मेरी मां पे ये दुनिया हंसती थी, मेरे बाप मेरे बाप ने तो मुझे वहीं छोड़ना चाहा जहां ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मेरी मां लड़ी, उसका नतीजा ये है कि आज मैं यहां खड़ा हूं। और हां, आज ये अवार्ड देने वाला और कोई नहीं, मेरा सगा बाप सैन हसन। मैं इन साहब की शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन आज मेरी मां ने इनका सर फखर से ऊंचा कर दिया। बस बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, देखिए हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं, प्लीज 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 खुदा हम एक कचरों के डब्बों में मत फेंके। हम इस दुनिया में सिर्फ तालियां बजाने के लिए गाने के लिए नहीं आए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें कोई मौका दे तो। कोई हमें इंसान तो समझे, आप लोग हमें इंसान का समझते, हमारे सीने में तो दिल है, जो दुखता है तकलीफ होती है उसे, हम खुश भी होते हैं। बस बस ये सब कुछ जो भी हो रहा है सबको रुकना पड़ेगा, खुदा के बाद मैं अपनी मां को अपना खुदा समझता हूं। जिस तरह मेरी मां का, मेरे बाप का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्त का, आप सबका खुदा है, इसी तरह खुदा मेरा भी है।
माकुल, माकुल आ जा। Sorry, my son. I really am. Congratulations. You have made me proud. से मिल लेना चाहिए सर। खुदा मेरा भी है। माकुल से मिल लेना चाहिए सर। तुम आ गए ज़ैन। बगैर देखे पहचान ली। तुम्हारे इस परफ्यूम की खुशबू में कभी नहीं हुई। माफ कर सकोगी माही? तुमने नूर को अपना लिया, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत। उससे एक शिकायत है, बहुत इंतजार करा है। मैं डर गया था, इस सोसाइटी की बकवास सोच से डर गया था। इतना दब गया था नीचे के निकलने में बहुत वक्त लग गया।
लेकिन मुझे नीचे से माही और किसी ने नहीं, सिर्फ तुमने निकाला। माही बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मिकाइल के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मैं इसमें बहुत खुश हूं। क्योंकि आज मैं जान गया हूं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती। मुझसे एक वादा करो जैन। मेरे जाने के बाद नूर के साथ मिलके ये मिशन जरूर पूरा करना। हाँ भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नूर को भेज दो प्लीज। तेरा बेटू ख्याल रखना। मामा, मैं आपको कितनी दफा बोलूं, ऐसी बातें मत करें। आज तो मेरा बेटा अवार्ड जीत के आया है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड है। मेरे बाप को मुझे कहने लगा, ये बाप ने मुझे अपना लिया। अब मैं किसी की शर्मिंदगी नहीं रहा। कभी भी किसी की शर्मिंदगी नहीं थे। तुम्हारे बाबा डरते थे दुनिया से। अब नहीं डरते, लेकिन तुम कभी भी शर्मिंदगी नहीं थी। काम करो नूर, मिकाइल को भेज दो प्लीज। ने बुलाया माँ को? खुद क्यों नहीं है? मैंने सोचा शायद पहले अब जैन और नूर से मिलना चाहती है। अपने आप को हर चीज में सबसे पीछे रखना कहाँ की अकलमंदी है। आप ही की खुशी में तो मेरी खुशी है। मेरी तरफ देख के भी रो सकते हैं। मेरे जिस फरिश्ते के साथ जिंदगी के हर सांस हर दुख देखा है, आगे आंखें बंद करना चाहते हैं। हम नूर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनका बहुत ख्याल रखिएगा और हम सब कुछ आपके हवाले करके जा। और मैं माँ को
हेलो खुदा मेरा भी है।
क्या कहूँ उससे कि ना बेटा हुआ उसका ना बेटी। ये झड़ा पैदा किया तुमने माँ को। प्लीज बताइए क्या हो रहा है सर। अभी क्या कहा तुमने? मतलब तुम मुझे छोड़ रही हो ऐसे? नहीं, तपती धूप में भी अकेले चलना है और अंधेरी रातों में भी अकेले ही ढलना है, क्योंकि शायद कभी कोई इस रास्ते पे चला नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा किसकी मंजिल क्या होगी। अश्कों की झील में रखे हुए सब लम्हे याद हैं बिखरे हुए। ये तो मेरी उम्र थी अभी खेलता, मैं गुमसुम जो हुआ कैसे हुआ। तारा, इसको मेरी माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा बच्चा ऐसा क्यों क्यों पागल क्यों? खुदा मेरा भी है खुदा तेरा भी, धड़कता है दिल तेरा वो दिल मेरा भी, तो फिर क्यों बेवजह ये रुकती सांस है। तन्हा तो नहीं, खुदा मेरे साथ है।